तो दोस्तों आज दिन है फ्राइडे का और हम लोग जो आ चुके हैं मूवी वगैरह देखने, तो एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ मैं जिसका नाम होगा फ्राइडे मूवी टेक। तो आज के इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि जो मूवी वगैरह लगी, अच्छी अच्छी मूवी वगैरह लगी है, वो कैसी पड़ेगी, कैसी है वो मूवी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए द टेक शो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द टेक शो के नए फिर से एपिसोड में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि मैं जो है कि एक नया चीज़ शुरू करने वाला हूँ इस चैनल पे जिसका नाम होगा फ्राइडे मूवी टेक, जिसमें हम करेंगे कुछ मूवी, अच्छे अच्छे मूवीज जो आएंगे फ्राइडे को, उस मूवी वगैरह का रिव्यू बताएंगे कि आपको देखना चाहिए कि नहीं, देखेंगे पब्लिक का रिएक्शन की कैसे उनकी रिएक्शन रहती है। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं पद्मावती फिल्म की रिव्यू, जो बहुत दिनों से हाइप में बना हुआ था कि जो राजपूत समुदाय उनके खिलाफ है, करनी सेना वाले इसमें इन्वॉल्व थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते बिना किसी देरी के। तो दोस्तों फिल्म जो अफगानिस्तान में शुरू होता है, तो मैं यहाँ पे पूरे फिल्म की कहानी नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि उस किरदार के एक्टिंग कैसी थी और मूवी में कितने सारे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया हुआ था, मैं इसी बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस मूवी के सबसे बड़े एक्टर रणवीर सिंह की। तो दोस्तों यहाँ पर रणवीर सिंह ने जो कि नेगेटिव रोल निभाया इस फिल्म में, तो दोस्तों मेरे हिसाब से कि इस साल का जो बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल का किताब वही लेके जाएंगे, जैसे उनकी एक्टिंग की स्किल थी भाई आउटस्टैंडिंग, और बाकी सारे भी एकदम बहुत ही बढ़िया एक्टिंग किए हैं, जैसे शाहिद कपूर हो गया, दीपिका पादुकोण हो गई, और बाकी सारे जितने भी हैं बहुत सारे अच्छे बहुत ही अच्छे एक्टिंग किए हैं। दोस्तों यहाँ पर रणवीर सिंह के कैरेक्टर में थोड़ा सा डीपली घुसते हैं हम लोग। तो दोस्तों भाई यहाँ पे क्या बताएं, एकदम इतना खतरनाक दिखाया गया है उनको, मतलब रावण के भी बाप लगते हैं ये, इतने खतरनाक इनको दिखाया गया, इतने क्रूर दिखाया गया यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कैरेक्टर की एक्टिंग की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले बोला रणवीर सिंह का एक्टिंग तो भाई लाजवाब था, उनको मैं देना चाहूँगा एक्टिंग में 5 out of 5, क्योंकि क्या कमाल के एक्टर हैं वो। तो दोस्तों यहाँ पे जो अगला नंबर आता है वो दीपिका पादुकोण का है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे उनको 4.5 star दूंगा 5 में से, क्योंकि उनका एक्टिंग भी तो आप लोग जानते हैं कि भाई कमाल के अदाकारा हैं। और अब बात करते हैं शाहिद कपूर की, तो दोस्तों यहाँ पे भी मैं शाहिद कपूर को 4.5 star देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे उनका कैरेक्टर उतना ज़्यादा नहीं था, यहाँ पे जो इस फिल्म में ज़्यादा कैरेक्टर था वो रणवीर सिंह का था, इसीलिए उसका जो पूरा शो का लाइमलाइट है वो रणवीर सिंह चुरा के लेके जाते हैं, पूरा शो उनका हो जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं इस मूवी की विजुअल इफेक्ट्स की, VFX की। तो दोस्तों यहाँ पे कमाल का VFX का इस्तेमाल किया गया है। तो बाहुबली के बाद ये एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे एकदम बाखूबी VFX का इस्तेमाल किया गया हुआ है, यहाँ पे संजय लीला भंसाली की तरफ से तो कुछ भी गलती पकड़ी नहीं गई। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप अगर जाएंगे फिल्म वगैरह देखने तो आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों इस बीच में हम जान लेते हैं पब्लिक का रिएक्शन क्या था इस फिल्म में, तो चलिए देख लेते हैं क्या रिएक्शन है उन लोगों का। कैसी लगी मूवी आपको? मूवीज अच्छी थी। अच्छा आप बताइए, जो हाई बना हुआ था कि विवाद हो रहा था, उसमें से कुछ सीन वगैरह है क्या? फालतू कर रहे हैं मूवीज में, ऐसा कुछ नहीं जिसकी वजह से विवाद पैदा हो। तो मूवी एकदम अच्छी थी। अच्छी। कितने स्टार देंगे इसको? इसको 10 में से 9। चलिए थैंक यू भाई। मूवी कैसी लगी आप लोगों? बढ़िया बढ़िया। अच्छा जो विवाद चल रहा था इस मूवी को लेके, उस पर आपका क्या कहना है? विवाद एकदम कोई प्रॉब्लम है नहीं है, जो है मतलब ना वही दिखाया गया। अच्छा कितने स्टार देंगे आप? एकदम जितना चाहिए 5 star। थैंक यू। मूवी कैसी लगी आपको? इट वाज गुड। जो हाइप बना हुआ था मार्केट में, बल्कि इसमें तो बढ़ाई की गई है। और कैसी लगी आप, कितने स्टार देना चाहोगे? सॉरी कितने स्टार देना चाहोगे आप? 3.5। ओके थैंक यू। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने क्या रिएक्शन था पब्लिक का। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इस फिल्म को देना चाहूँगा 4 out of 5, क्योंकि यहाँ पे जो कहानी थी अच्छी थी, और जो स्पेशली लास्ट वाला सीन था भाई एकदम क्या होता है, एकदम घुसबम दे देता है, मतलब एकदम चार्ज कर देता है, मतलब पूरे सीन आपको पहले पहले लगा कि क्या बोरिंग चल रहा है, लेकिन जब लास्ट का सीक्वेंस आता है तो भाई क्या मजा आ जाता है, आपको लगता है भाई पूरा पैसा वसूल फिल्म है। तो दोस्तों अगर आप गए थे थिएटर में मूवी वगैरह देखना, अगर आप देख लिए मूवी तो आप लोगों को पता होगा थिएटर में कैसी सिक्योरिटी के इंतजाम है। तो दोस्तों मैं जहाँ पे गया था वहाँ भी बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी अच्छी सिक्योरिटी वगैरह थी। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कितना सिक्योरिटी का इंतजाम वगैरह है यहाँ पे, जैसे कि हर जगह थोड़ फोड़ हुई है,
तो यहाँ पे बकायदे पुलिस वगैरह लगे हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट है यहाँ पे, बहुत फोर्स वगैरह लगी हुई यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ, जिसके लिए इतना ज़्यादा हाइप बढ़ चुका था कि यहाँ पे कुछ सीन्स थे जिससे बहुत सारे लोग आपत्ति थे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सब साफ साफ बता देता हूँ, ऐसा कोई भी सीन नहीं है, ना तो रानी पद्मावती और जो कि दीपिका पादुकोण ने उनका रोल निभाया है, और रणवीर सिंह जो कि अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया है, इनके इन दोनों के बीच एक सीन भी नहीं है, एक सिंगल सीन भी नहीं है। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म का विरोध कर रहे थे तो मैं आपको बोलूँगा भाई देखो ये सब तो पागलपंती है और कुछ नहीं है। दोस्तों यहाँ पे मैं आखिरी में आप लोगों को बता दूँ, जो यहाँ पे ये फिल्म है ये पूरी तरीके से मेरे को लगता है जैसे रणवीर सिंह का कैरेक्टर यहाँ पे तो ये जो कि नेगेटिव कैरेक्टर में है, लेकिन जो जो बाकी हमारे साथ बॉलीवुड फिल्म होते हैं उनसे पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो विलन है वो जिंदा बच जाता है और जो हीरो और हीरोइन है वो लास्ट में जाते हैं मर जाते हैं। तो थोड़ा सा और लगता है, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट था इस फिल्म का, या स्क्रिप्ट की यही डिमांड थी, या जो स्टोरी वगैरह थे यही बताते हैं, इसीलिए शायद विलन को है जो कि जिंदा रखा गया है इस फिल्म में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर आपको ये सीरीज़ चाहिए और आगे, तो दोस्तों मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।